रामलला भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए हैं और आप देखिए भव्यता देखिए, और यही वो तस्वीर है जिसको निहारने के लिए दुनिया व्याकुल थी। और इन सब के बीच जो सुरक्षा की बात थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण थी कि सुरक्षा कैसे की जाए। आप देखिए किस खूबसूरती के साथ इस मंदिर को सजाया गया। नक्काशी जो है वो फूलों से कहीं बेहद खूबसूरत है, हालांकि फूलों से भी रामलला का स्वागत किया गया। और देखिए ये गर्भगृह है जहाँ पर रामलला आपको दिख रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत संवेदनशील ये पूरा मसला था। ऐसे में IG जोन प्रवीण कुमार जी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके का इंतजाम है। सर, एक बहुत बड़ी चुनौती थी सुरक्षा को लेकर, तमाम इनपुट्स भी मिले थे, सकुशल सब कुछ संपन्न हो गया? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर बहुत सारे चीज़ें इसमें रहती हैं, चुनौतियां रहती हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, ट्रैफिक के डाइवर्जेंस को रखना, अधिकांश लोगों का इस आशय पर बल देना, आसपास के लोगों का नहीं बल्कि आसपास के राज्यों का, कि हमें अधिक संख्या में यहाँ पहुँचना है और उन लोगों को समझाना और लोगों को, यहाँ के लोगों की अपील का असर भी पड़ना, ये एक बड़ी बात थी। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के स्तर पे भी जो अपील हुई थी उसका भी एक अच्छा असर इसमें सब रहा और हम लोग आज के इस कार्यक्रम को करा सके, जो कि एक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि एक इतना उत्साह उल्लास का अवसर है जहाँ पर लोग अत्यधिक उत्साह में हैं, और ऐसे लोगों की इस एनर्जी को चैनलाइज करके एक सुगम रूप से दर्शन कराना एक चुनौती आगे भी रहेगी, उसके लिए हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक जिस तरीके से पकड़े गए थे, उसके बाद क्या संवेदनशील हो गया था मसला बहुत ज़्यादा? देखिए हर चीज़ पर इनपुट्स आते हैं, चीज़ें पूछताछ की जाती हैं और उन पर हम लोग काम करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इनको शेयर नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग हर मामले में शाश्वत सावधानियां बरतते हैं। एक आखिरी सवाल, रामलला के दर्शन के लिए टाइमिंग बढ़ेगी, लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रस्ट इसका निर्णय ले रहा है कि कुछ समय इसमें आवश्यकता से बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। उनसे बात करने के लिए तो IG जोन प्रवीण कुमार जी बात कर रहे थे। उनका कहना था कि तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है, ट्रस्ट दर्शन को लेकर व्यवस्थाएं करेगा और सभी को अच्छे से राम मंदिर के और रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। मनोज के साथ अवधेश, ABP News, अयोध्या।